रख सकता हूँ, मतलब मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ फेस कैम में। हाँ भाई चलेगा मतलब मैं सर फेस कैम में मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं वीडियो बंद रख सकता चलेगा हूँ? चलेगा, नो प्रॉब्लम भाई, अजीवेश। ओके सर। सर मेरा डाउट है, लाइक मैं ट्रेड ट्रेड अच्छा कर लेता हूँ, लाइक मैं पहले मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। लाइक सर मैं एसएमसी और सप्लाई डिमांड साथ में ट्रेड करता हूँ। लाइक मैं H4 एंड H1 का स्ट्रक्चर होता है ना, बेसिक है, हायर हाई हायर लो वाला, उसके बेस पे फिर M15 का EGIF का कन्फर्मेशन लेता हूँ, ठीक है? किसका उसके बेस पे कंफर्मेशन लेते मैंने हो, उसके हाँ क्या सर किसका कंफर्मेशन लेते हो? M15 EG का। लाइक आज मैंने गोल्ड में एक ट्रेड लिया था, प्री लंडन में हाँ XAUSD में हाँ सेल लिया था, शायद 2158.58 से, वहाँ EG का सॉरी EF था M15 का, तो उसके बेस पे मैंने सर ट्रेड लिया था। ईएफ क्या होता है? लेकिन EF इंगलफिंग फेलियर सर, जैसे EG ब्रेक होता है ना, फेल हो जाता है। हाँ अच्छा, ये एसएमसी का कंसेप्ट है क्या? हाँ, सर SMC का थोड़ा है और थोड़ा वो है सप्लाई डिमांड अच्छा, वाला है, इसलिए सर। हाँ मुझे ये टर्म्स के बारे में नहीं पता कुछ, तो इसलिए मैंने। हाँ ओके सर, मैं कर रहा हूँ ट्रेड, लेकिन क्या है मेरे जो चैलेंज पास करना है ना मेरे को, मतलब $20 टू मेरे को, मतलब मैं $600 से डिपॉजिट किया हूँ, और उसके बेस पे मैं लेवल 8 तक चला गया था, वो $20 टू $52,000 में। लेकिन बीच में फिर से मैं लेवल 1 पे आ गया, फिर लेवल 7 पे गया, फिर से लेवल 5 पे आया, अभी लेवल 3 पे आ गया सर वापस। मतलब सर ओवर ट्रेडिंग होता है, और मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है कि मतलब मैं ट्रेड्स मैनेज नहीं कर पाता, या फिर मतलब लॉस में चला जाता तुरंत कट कर देता हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें होती है सर, उससे टैकल करना है मुझे। लाइक तुम्हें मैंने ये चैलेंज जब से तुमने चालू किया तब से तुम्हें ये तो पता चल गया कि $20 इतना रैपिडली ग्रो करना इतने सारे अमाउंट में काफ़ी मुश्किल चीज़ है, यस सर यस ये तो सर पता चला यस सर होगा ना? तो यस सर ये बहुत भाई, ये लग भी एक फैक्टर का पार्ट प्ले करता है इसमें, ओके क्योंकि मैंने तो जब वो सिखाया था, मैं मुझसे सीखे हो ना वो $20, यस सर यस सर तो मैंने बोला था भाई 7-8 लेवल तक जब जाओगे ना तुम, तब आपको क्या करना है भाई, जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो निकाल के एक फंडेड अकाउंट लेना है। तो ओके ये सोचो कि एक $10,000 के फंडेड अकाउंट से आपने 5% भी निकाल दिया तो भी आपके $500 हो जाएंगे एक ट्रेड में। और यस सर यहाँ पर अगर तुम घिसते रहोगे ये अकाउंट में, हो भी सकता है लेकिन काफ़ी मुश्किल है और टाइम भी जाएगा तुम्हारा, और सबसे मेन बात आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट भी खराब होगा। तो एक लेवल 2, 3, 4 तक चले गए, उसके बाद आप वहाँ से विड्रॉ करके फंडेड अकाउंट का टारगेट रख सकते हो, फिर फंडेड अकाउंट्स क्लियर करके और फंड्स ओके एक्वायर करना कैसे चाहिए, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ओके सर। और सर मतलब हम ये जो ट्रेड करते हैं, मतलब मैं क्या है दो तीन करेंसीज ट्रेड करता हूँ कभी कभी, क्या ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, जैसे गोल्ड में ऐसे हिट हुआ तो मैं दूसरा कोई फाइंड कर रहा हूँ, तो ऐसा बहुत होता है सर। कभी कभी अगर चल गया तो सारे पेयर अच्छे चलते हैं, लेकिन कभी कभी अगर एक लूजिंग ट्रेड आ गया ना, वो सब साइकोलॉजी खराब कर देता है सर। कितने ट्रेड्स लेते हो तुम दिन? सर मतलब दो दो ट्रेड्स मतलब मैंने नोट्स पे लिखा है, लेकिन कभी 3 भी हो जाते हैं, कभी 5 भी हो जाते हैं, कभी 1 भी हो जाता है सर। तो ये क्या है ना, तुम्हारा पूरा माइंडसेट ओवर ट्रेडिंग इसलिए तुम करते हो क्योंकि एक तो लॉस रिकवर करना है या फिर अकाउंट यस सर जल्दी ग्रो यस करना है। सर तो तुम क्या यस सर करते हो यस भाई, देखो मेरे अकाउंट पे आपने कभी देखा नहीं होगा कि मैंने कभी टारगेट अमाउंट के हिसाब से सेट किया कि मुझे आज 5% ग्रो करना ही है। मैं ट्रेड लेता हूँ भाई, मेरे हिसाब से रिस्क मुझे पता होता है, स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो क्या रिस्क होगा, और उसमें से जितना मिलेगा उतना मैं लेकर बाहर निकल जाऊंगा। ओके तो ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपने एक एक्सपेक्टेशन सेट की है कि भाई आज 2% ग्रो करना है या फिर आज लॉस में तो क्लोज नहीं करूंगा, और यही एक्सपेक्टेशन आपके फुलफिल करने के लिए आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, फिर से ट्रेड लोगे क्योंकि आपको वो आपका जो टारगेट है वो नजर आ रहा है। तो जब आप मार्केट में यस आते सर हो तब आपका टारगेट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आज मैं रिस्क कितना करने वाला हूँ अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं होता तो। ये आपको प्री डिसाइड करना है, आपको ये मार्केट में आप जब भी आते हो तो आपको पता होना चाहिए आज कितना रिस्क करने वाला हूँ और ये पर्टिकुलर ट्रेड पे मैं कितना रिस्क करने वाला हूँ। लेट से आपका 2% का टारगेट है पर डे, रिस्क कर सकते हो 2%। अभी आप 2% का एक ट्रेड लो या फिर 1% रिस्क वाले दो ट्रेड लो, आपको आपका रिस्क डाइवर्सिफाई अगर करना है तो दो ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लुएंसेस मिलकर अगर एक ट्रेड मिल रहा है तो एक ही ट्रेड में 2% भी रिस्क कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आपको 4 ट्रेड लेने 0.5 से
या फिर दो ट्रेड लेने हैं 1% से, या फिर एक ही ट्रेड लेना है 2% रिस्क करके। ओके, अगेन ये जो आपका डिसीजन रहेगा 2% रिस्क करूँ या फिर 1% रिस्क करूँ, ये आपका फाइनेंशियल गोल जो है, आप जिस माइंडसेट से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से बनता है। तो उसके लिए फंडेड अकाउंट्स बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे दिए, इतना परसेंट ड्रॉ डाउन आप ले सकते हो। यस सर, तो सबसे पहले मार्केट में जब आप आओगे, तब आपको मार्केट में आने से पहले पता होना चाहिए कि आपके अपोजिट अगर मार्केट जाता है पूरा दिन, तो भी आपका रिस्क आपको कंट्रोल करना है। आप मार्केट तो कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट में क्या बिल्कुल मूवमेंट्स हो रही है वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रेड्स कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो भाई, आपका रिस्क कंट्रोल कर सकते हो। आपको रिस्क डिसाइड करना है और उतना ही रिस्क लेना है मार्केट में। ओके, ओके 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 और सर, डेली, वीकली और मंथली, ये तीन लेवल्स आप मॉनिटर करते हो एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम, या फिर मतलब जोन्स बना के एक बार आप छोड़ देते हो, उसके बाद एच ईच फोर एंड एंड एवरी एच वन टाइम लेकर? मैं शिफ्ट करते रहता हूँ और देखता हूँ क्या चालू है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं अभी यूएसडी कैड में, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये मैंने मंडे के पहले एनालिसिस किया था, और मंडे के बाद इसने क्या किया, देखो मैंने हायर टाइम फ्रेम पे ये एरो निकाला है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट जो है ओवरऑल बियरिश चल रहा है। तो मैंने क्या किया था, लेवल्स निकल के रखे थे, और ये जो वीकली कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे हाई लगाएगा, वीक बनाएगा और उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। अभी वीकली टाइम फ्रेम से मुझे ये तो देखने मिल रहा है कि भाई और नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि वो अपर वीक बन चुकी है ऑलरेडी। ओके, तो दिस इज वाई वीकली कन्फ्लुएंसेस आर इम्पोर्टेंट, और इसलिए वीकली पे हमें कन्फ्लुएंस मिला कि भाई वीकली जो कैंडलस्टिक है वो डिरेक्शन में चल रही है, और यहाँ पे वीक भी बना चुकी है, तो मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ जा सकती है। और नीचे की तरफ अगर आएगी तो डेली टाइम फ्रेम पे ये हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक आ सकती है। अभी आपका क्या काम क्या है इसमें, ये कैंडलस्टिक या फिर ये प्राइस जब तक यहाँ से यहाँ तक जाती है, ये जितनी भी रेंज है अभी, लेट्स सी यहाँ पे 33 पिप्स की रेंज है, तो अभी आपका काम ये है कि भाई ये 33 पिप्स की रेंज आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके कैप्चर करनी है। एंड 33 पिप्स अगर रेंज है, तो हम 33 पिप्स यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम उससे थोड़ा बहुत कम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि इतना अगर मार्केट मूव हो रहा है तो पूरे की पूरे अपन ऑब्वियसली कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इट्स सही नॉट बात है। पॉसिबल एवरी टाइम टू बाय हाई एंड सेल लो, सेल एट लोएस्ट प्राइस। तो उसके लिए छोटा टारगेट रखेंगे हम, और फिर आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ना मैंने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था, मुझे पता था अगर यहाँ तक नहीं आता मार्केट, इतना बियरिश होने के बाद अगर मार्केट में यहाँ पे ज़्यादा बायर्स नहीं है, तो शायद यहाँ तक नहीं आ सकता मार्केट, यहाँ तक आएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे मेरा ट्रेड मिस हो गया था। तो उसके बाद ये डेली का जो जोन है ये भी ब्रेक कर दिया, एंड देन 1 आवर पर भी देखो स्ट्रक्चर के साथ नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, एंड 15 मिनट पे मैंने एंट्री की, और ये जो ट्रेड थी ये लिटरली नो ड्रॉडाउन थी। ओके, तो दिस इज हाउ यू एंटिसिपेट, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर एवरी टाइम फ्रेम। तो पर सर, ये जैसे यहाँ पर कंफ्यूज 4 आवर का कैंडलस्टिक भी है, वो जब ये वीक बना रहा था तभी मैं है। सोच रहा था कि भाई ये अपर वीक हो सकता है। ओके, एंड एज लॉन्ग एज दिस हाई इज रिस्पेक्टेड, मैं ये ट्रेड रखूंगा। ओके, तो ये प्रीवियस हाई भी था, ये भी अगर ब्रेक कर जाता तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क मैनेज कर लेता, लेकिन ये इट्स गोइंग वेरी स्मूथ, तो आई विल होल्ड दिस ट्रेड फॉर 1:2। ओके सर, जैसे ये करेंसी है, जैसे एनजेडी कैड है, ठीक है, और इसमें जैसे मान लो कोई न्यूज है, जैसे एनजेडी के या कैड की है, तो ये दोनों ही न्यूज उस पर इफेक्ट करेगी ना सर, हाई इम्पैक्ट न्यूज? यस यस डेफिनेटली भाई, ओके 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 न्यूज ट्रेड करना है ना, ये अभी लोग ट्रेड करते हैं काफी क्विकली प्रॉफिट हो जाता है, तो उसमें रिस्क भी उतना है भाई। तो मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ न्यूज से दूर रहो, न्यूज के 3 आवर्स पहले ही आपके जो ट्रेड्स है वो निकाल दो मार्केट से, या फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करो जब न्यूज हो जाए। बहुत ओके ओके मैनिपुलेटिव होता है, और न्यूज आपको लगता है कि बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड बहुत सारे बड़े प्लेयर्स मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि न्यूज़ होती है तो हर किसी का अट्रैक्शन होता है गोल्ड पे, यस तो इसकी वजह से मैनिपुलेशन भी ज़्यादा होता है न्यूज़ में। तो इट्स हीरो जीरो, जीरो हीरो सही और सही हीरो बात है। जीरो बोल सकते हो जो बैंक निफ्टी में, अगर आपको पता होगा। हाँ
प्रीमियम जीरो हो जाते हैं वैसा। जीरो डायरेक्ट एक्सपायरी प्ले करना। हाँ हाँ ये, और इसमें उसमें कैसा है, ऑप्शंस हाँ में ट्रेड करते हो तो एक लॉट अगर लेते हो तो उसके हिसाब से लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा जितना एक लॉट लेने को लगा है। अपने हाँ इधर सही ऐसा नहीं है ना, पूरा अकाउंट घुस जाता है यहाँ पे फोरेक्स में। बात है, सही बात है सर। यस सर मेरे को मतलब ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, लेकिन सर मैं काम मतलब काम नहीं रह पाता हूँ। मतलब ऐसे कोई टिप्स दीजिए ना, मतलब लाइफ लेसन्स की, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा काम हूँ अपने ट्रेडिंग में और काम में भी सर। मतलब बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, मतलब मेरे ट्रेडिंग से स्ट्रेटेजी रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व है ठीक है, लेकिन सब कुछ पता होते भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसका मतलब है मेरी इसमें साइकोलॉजी और लाइफ में ही प्रॉब्लम है ना सर, इसलिए। क्या करते हो आप वैसे? सर मैं कॉलेज स्टूडेंट ओके, और फुल टाइम ट्रेडिंग सर, और कॉलेज होता है तो उस दिन गैप होता है, मतलब ट्रेड नहीं करता उस दिन। अच्छा, कब से कर रहे हो ट्रेडिंग? सर ये 2022 से ही प्रॉपर स्टार्ट किया, इससे पहले क्रिप्टो कर रहा था तो बुल रन था, तो उसमें तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया ठीक है, लेकिन कितना उसके बाद ट्रेडिंग हुआ था फॉरेक्स में टोटल? घुसा। और हाँ सर 3 साढ़े 3 लाख बनाया था। अच्छा तो उसके बाद सर ये क्रिप्टो का इश्यू है तो फॉरेक्स में डाल दिया पैसा। तो सर उसके बाद मैं पहले रिटेल ट्रेडिंग ही करता था। वो जो हाँ तीन 3 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था उसके लिए कैपिटल कितना लगाया था आपने? सर 2 2 लाख 38 से लेके 45 के बीच में सर, प्रॉपर याद नहीं है, मतलब 2 45 से लेके मतलब दो डबल हुआ समथिंग है। पैसे, डबल से हाँ थोड़ा ज्यादा हुआ। हाँ और सर उसमें क्या कर रहा था, मैं रिटेल ट्रेडिंग ही कर रहा था, मतलब फ्लैग आता है वो सब पैटर्न आते हैं, H4 H1 टाइम फ्रेम से मैं नीचे नहीं जाता था ठीक है, और M30 हद में M30 या M15 चला जाऊंगा, लेकिन उसमें ट्रेड नहीं करता था। तो फिर क्या हुआ सर, मैंने एक बार वीडियो देखा SMC का, तो मेरे को लगा यार ये तो कुछ नहीं है, अगर मैं और कुछ सीख लूँ तो मैं और अच्छा जाऊंगा, लेकिन सर उससे उल्टा ही हुआ। मतलब तो आप, आपका मंथली एक्सपेक्टेशंस कितना होता है, मतलब आप जैसे कि ट्रेड करते हो तो कितना हो सकता है, मतलब सर परसेंटेज देखो ये वाइज? पूरा मतलब पूरा फोकस ही मतलब ये चैलेंज पे लगाया है ठीक है, और इसके बाद चैलेंज छोड़ के बस अदरवाइज आप पहले ट्रेड करते थे तो सर आपका वैसे क्या होता था तो एक्सपेक्टेशन गोल, या फिर क्या आपके ये था कि अभी सेटिस्फाई हो गया मैं ये टारगेट मंथ के रिटर्न? नहीं था सर। सर मतलब जैसे मेरे को अगर मेरा ट्रेड नहीं मिलेगा ना तो मैं इंजॉय करूंगा, या फिर तो उस टाइम पे क्या स्कूल भी चालू था, मतलब कॉलेज का फर्स्ट ईयर, मतलब स्कूल चालू था, मतलब उसमें तो क्या कंपलसरी जाना पड़ता है ना सर, तो क्या है मैं शाम को 6:30 बजे आने के बाद एनालिसिस करता था और फिर ट्रेड करता था, और आराम से मतलब 2 दिन 3 दिन वीक में खाली 2 या 3 ट्रेड्स ही होते थे मेरे, इससे ज्यादा नहीं होते थे, और मतलब बहुत अच्छा खासा। और मैं ज्यादातर प्ले किया और ना स्पॉट ही किया, उस टाइम क्या बुल रन भी चल रही थी सर, और उसमें फायदा क्या हुआ कि मेरे पास ओनली बाय का ही ऑप्शन था, मतलब सेल ऐसा कुछ नहीं, जैसे मान लो कि भाई चलो बाय काम नहीं किया तो सेल कर लेंगे अपने फॉरेक्स में होता है ना, उधर हाँ मेरे पास बाय का ही ऑप्शन था, तो मतलब अच्छी रेंज में मतलब फिबोनाची लेवल लगा के H1 का मतलब 61% या 50% के आसपास लगा देता था ट्रेड, और फिर 2 3 दिन चलना देता था, अगर 3 दिन के अंदर उसने टारगेट नहीं दिया तो ब्रेक इवन, अगर प्रॉफिट में, अगर प्रॉफिट में नहीं है और मतलब साइड वेज चला गया तो उसको निकाल दो। और उसके बाद ये SMC में आया, M15 M1 में ट्रेड करने के चक्कर में मतलब सर नहीं नहीं करके 50,000 जैसा लॉस किया मैंने फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैंने M1 M15 को टाइम फ्रेम छोड़ दिया। मतलब SMC काम नहीं किया फिर आपके लिए? काम कर रहा है लेकिन क्या है, मतलब जितना अंदर घुसोगे सर इतना नॉइस बढ़ेगा ना सर, और जैसे M1 का जैसे मान लो मेरा ट्रेड चलता था पहले 2 3 दिन ठीक है, तो जो ट्रेड रनिंग होता है मैं उसका छेड़खानी नहीं करता था, अभी क्या M15 और M1 में कुछ दिन के 4 ट्रेड मिल रहे हैं, तो दो चलो अच्छे गए दो खराब गए, उसमें फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाते हैं ना सर। तो आपका रिस्क अभी आपने डिफाइन नहीं किया है कितना है डेली, क्या किया है नहीं कि, सर तो वो हाँ रिस्क डिफाइन कर लो डिफाइन भाई। किया है, जैसे मेरा $600 का है ना, तो मतलब हाँ दो लेवल दो ट्रेड्स SL या फिर दो ट्रेड्स TP बस। और भाई ये चैलेंज है ना, हाँ हाँ ये सर एक बात है, चैलेंज मैंने भी किया है भाई, ओके लेकिन इट्स नॉट रियल ट्रेडिंग। ओके, तो ओके ये चैलेंज के भरोसे छोड़ दो आप वहां से ना, गलत चीजें ये कर रहे हो कि आपके एक्सपेक्टेशंस गलत सेट हो रहे हैं मार्केट से। ओके, हालांकि मैंने भी किया है और मैंने बताया था, और इसीलिए मैंने ये चैलेंज बंद किया $100 से $100,000 तक का, कि भाई साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी के लिए वो बिल्कुल बुरी बात है। अगर आप कहीं बड़ा फंड आपको मिल गया ट्रेड करने के लिए, तभी आपका माइंडसेट यही रहेगा कि आप ज़्यादा रिस्क लोगे अकाउंट में, तो
तो दिस इज बात। नॉट वॉट यू नीड। आप ऐसे सोचो भाई, आपके पास $20 है, वो 50,000 तक अगर ग्रो करोगे तो बहुत मुश्किल बात है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, बात तो आप उसमें से थोड़े लेवल्स अचीव करो, या फिर वो $20 का ग्रो करो, थोड़ा बहुत जितना हो जाए उसमें से विड्रॉल लेकर। जैसे कि आपने बोला आप ऑलरेडी लेवल 4-5 पर है, तो वहां से विड्रॉल लेकर कोई बड़ा फंडेड अकाउंट ले सकते हो, वहां पे ट्रेड करो भाई। उसका 2% भी, अगर $100,000 का अकाउंट आप लेते हो तो उसका 2% भी $2,000 है। तो इट्स यस नॉट सर, अबाउट डॉलर्स और मनी, इट्स अबाउट परसेंटेज गेम। यस सर, तो ये अकाउंट में आपको 2% ग्रो करने में इजीली आप कर दोगे, लेकिन आपके सर पे बर्डन है कि भाई आपको ये चैलेंज अचीव करना है, तो उसकी वजह से नहीं हो पा रही चीज़ें, आप ओवर सही ट्रेड कर बात रहे है, हो। सही बात है सर। तो ये आपके लिए टारगेट ही आपने एक सेट किया है कि भाई ये इतना मैं ग्रो कर दूंगा, और फिर उसी प्रेशर में आप ट्रेड कर रहे हो, फिर ओवर ट्रेड कर रहे हो, ये पूरा आपका माइंडसेट खराब कर रहा है। तो ये चैलेंज जहाँ तक आए हो अच्छी बात है, इसके आगे उसमें 2% 5% ही रिस्क करना पर ट्रेड। ये चैलेंज सिर्फ एक आप फन के लिए कर सकते हो, ओके, लेकिन ये रियल एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे इस चैलेंज पर मत सेट करो, ओके सर, तो सर क्योंकि आपके भाई हिसाब से मंथली रिटर्न्स कितना होना चाहिए, मतलब ऑन एन एवरेज 2 to 4% सही डिपेंड करता रहेगा? है ना ओके आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, ओके और अगर स्विंग ट्रेडर हो तो अराउंड में 5% या फिर 10% स्विंग ट्रेडर हो तो, ट्रेडर डे ट्रेडर अगर रहे तो फिर, क्योंकि क्योंकि स्विंग ट्रेडर जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा कैप्चर करते हैं। एंड मेरे जैसा डे ट्रेडर अगर रहेगा तो 5-6% डे ट्रेडिंग के लिए ओके ओके बहुत है भाई। फंडेड अकाउंट पे इमेजिन करो 5-6%, अगर 100K के टू ठीक अकाउंट्स या फिर 200K का एक अकाउंट है तो वो भी होता है सिक्स है, थाउजेंड मतलब डॉलर्स 200 12,000 डॉलर्स या यस सर। और वहाँ पे रुकना थोड़ी है। $12,000 का अगर विड्रॉल लूंगा मैं, अगर फंडेड अकाउंट की हम बात करें, तो उसमें से मैं $2,000 के और अकाउंट्स ले लूंगा, उसमें से कोई पास होगा तो वो भी मेरे पास फंड आ जाएगा। सर वो लेना है, लेकिन अभी उसमें इश्यू चल रहा है ना, जैसे डीएक्स ट्रेड, सी ट्रेडर, फिर मैच ट्रेडर, मतलब फंडिंग वेब से मैंने लिया था बीच में, तो उसके बहुत इश्यू चल रहा है डीए, मतलब मैच ट्रेडर के। पहले MT5 में था अकाउंट, मतलब सर मैं ये मैच चैलेंज ट्रेडर तो में ही सर। ट्रेड करता हूँ, मेरे पास भी फंडिंग पिप्स का अकाउंट है, अभी मैंने ओके उसमें भी ट्रेड लिया है, लेकिन स्मूथ चलता है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है अभी तक। सर, मेरा ब्लैंक हो गया था बीच में, मतलब स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, मतलब। और डीएक्स ट्रेड में अभी क्या इश्यू चल रहा है TFT में, जैसे ट्रेड ले रहा हूँ ना तो मतलब ऑटो क्लोज हो जाता है। सी ट्रेडर बेस्ट है अभी, मतलब उसके लिए अप्लाई करना है सर सी ट्रेडर भी है ये। ना, फंडिंग पिप्स का भी है सी ट्रेडर, ओके ओके सर, आपके आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आपको जो भी अच्छा लगता है। और कोई और बहुत सारे प्रोफर्म्स है, वो MT4 MT5 में भी प्रोवाइड कर रहे हैं अकाउंट्स, तो इट्स अप टू यू, आपको कौन यस सा सर। बेस्ट लगता है। रिव्यू करो, लोगों के रिव्यूज़ पढ़ो और आपके हिसाब से परचेस कर लो। ओके ओके जस्ट थिंक इन परसेंटेज भाई, ये डॉलर्स के ऊपर मत जाओ, $20 के 50,000 डॉलर्स। यस सर, ये भी सर एक फन के लिए ही है, मतलब एट द एंड गोल क्या है सर, अगर अच्छा मतलब अमाउंट बन जाए, जैसे एटलीस्ट अगर 5,000 भी बन जाता ना तो ये फिफ्टी आप फन के डॉलर लिए नहीं कर हाँ रहे हो भाई, ये आपका पूरा माइंडसेट यहाँ पे, ये चैलेंज सही पर। फन के लिए कैसे करते हैं, जैसे ओके कि मेरे पास अभी $10,000 का अकाउंट एक रियल वाला, एक मेरे पास $16,000 का रियल वाला अकाउंट है, उसके बाद मेरे पास ओके फंडेड अकाउंट में भी ट्रेड कर रहा हूँ मैं, वो कोटाना का ओके 10 GB का अकाउंट है, ये अकाउंट है। तो ये सारे अकाउंट्स के साथ मैंने $100 डाल दिए, और उस पर अगर ये इस तरीके के मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो $100 मेरे लिए ओके कुछ मतलब नहीं है आज की स्टेज में। आपके पास लेकिन बैकअप प्लान है। आपका एक ही अकाउंट है डेडिकेटेड, आप उसमें ट्रेड कर रहे हो और उसमें एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठे हो, तो वो गलत चीज़ है, मतलब वो आपको कहीं ना सही कहीं ये करेगी, पीछे रखेगी। बात है सर, हाँ बात सही है सर, ये एक ही अकाउंट है। हाँ आप मतलब बैकअप प्लान नहीं है मैं इसलिए, हाँ आपको सही बात ये है। नहीं देना चाहता फॉल्स एक्सपेक्टेशंस की भाई हो जाएगा कर लो, मैंने कर लिया है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है भाई, और ये अगर आप सक्सेसफुल हो भी जाओगे तो आप बहुत गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया होगा आपने खुद के लिए। तो आप वो जब आपके पास बड़े फंड्स आएंगे तो उस अकाउंट्स में भी आप इसी तरीके से ट्रेड करोगे, सही बात है सर, ओके। हर किसी के बस की बात नहीं होती माइंड कंट्रोल करना खुद का, या फिर सही बात है।
अगर कोई दूसरा होता तो बोलता कि हाँ हो जाएगा आराम से कर लो। सही बात है सर। भाई ट्रेडिंग ये जो आप देखते हो सोशल मीडिया पे, ये ट्रेडिंग नहीं है भाई, ये बहुत बकवास चीज है। लोग दिखाते ओके हैं परसेंटेज में कोई बात नहीं करता। आप न्यूज ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स पर आपको भी लगता है कि हर वक्त ऐसा ही प्रॉफिट होगा भाई। न्यूज ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं लोगों के, मेरे भी होते हैं, मैंने दिखाया भी यूट्यूब पर। लेकिन हर कोई अगर न्यूज में ट्रेड कर रहा है तो उसको अकाउंट डबल करना है एक ही ट्रेड में, सही बात है। तो दिस इज नॉट होकस पोकस कि जीत जाओ भाई। आपकी सारी गलतियां जो आप कर रहे हो आपको वो ही रिपेयर करनी है, सही बात है सर। और एक एक गलती ऐसे आप रिपेयर करोगे तो बहुत ही जल्दी आपका जो वो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है अच्छी बात है। वहां पे पहुंच जाओगे। और वहां पे पहुंचने के लिए फिर आपको सिस्टम के थ्रू चलना पड़ेगा, रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा और लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस रखने पड़ेंगे मार्केट से, तभी आप जा पाओगे। सही बात है। तो करो भाई ट्रेडिंग। और कुछ क्वेश्चंस है आपके? सर लाइक आपके जैसा ग्रो ही होना है सर। बस मतलब क्वेश्चन तो सब खत्म हो गए, बस आपके जैसा ग्रो करना, मतलब ऐसा माइंडसेट कैसे लाए सर। भाई रीडिंग लाइक करो, ओके वो थोड़ा कंज्यूमिंग होता है, टाइम ओके कंज्यूमिंग होता है, लेकिन फिर वीडियोस देखो जो जहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हो वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग पहुँच चुके हैं उनके इंटरव्यूज देखो। मैं भी बड़े बड़े ट्रेडर्स के इंटरव्यूज देखता हूँ अभी, जो प्रॉप फर्म वाले ट्रेडर्स है, क्योंकि मैंने हाँ ज़्यादा प्रॉप फर्म में ट्रेड नहीं किया है तो उनके एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ। ओके ओके तो और हमेशा आपको ये अपग्रेड करना होता है मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है या फिर जो आप जो आपके कन्फ्लुएंसेस है वो बढ़ाने पड़ते हैं, सही है सर। इम्प्रूव करना पड़ता है हमेशा। सही तो बात है सर। ये गलतियों जो आप गलतियां कर रहे हो उस वो गलतियों को जस्टिफाई करने से अच्छा है कि वो आप रिपेयर करें। सही बात, सही बात। तो आज किया ट्रेड आपने? सर अभी चल रहा है सर। एक सेकंड मैं दिखा सकता हूँ अपना, मतलब एक दिखा सेकंड सकते हो, शेयर कर सकते हो स्क्रीन? एक एक सेकंड मिनट सर, अलाउ नहीं कर रहा है मतलब। एक मिनट में करता हूँ। हाँ सर। होस्ट बनाया आपको, एक सेकंड। अभी कर सकते हो शेयर। अभी सर जीजे में लिया है। सर हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। एक सेकंड सर, वो क्या लैपटॉप से और मैं मोबाइल से जॉइन हुआ, खाली कैमरा ऑन करना पड़ेगा उसमें। एक सेकंड सर। कैमरा से दिखा रहे हो क्या आप? हाँ सर ओके रेडी ओके में। एक मिनट, मैंने स्क्रीन आपको एक बार मुझे होस्ट बनाना होगा फिर से। ठीक एक सेकंड सर। है पहले चार्ट दिखा दो, कोई बात नहीं। सर ये रीजन था, और ये दिख रहा है सर स्क्रीन। यस 15 मिनट टाइम फ्रेम दिख रहा है। हाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम। और सर मतलब ये ईएमए भी सही रहता, 15-20 का, 50 और 200 का सर। और ये ट्रेड था और ये चल रहा है पोजिशन सर। एक सेकंड सर। कैमरा बंद हो गया आपका। एक सेकंड सर। शेयर स्क्रीन। सर दिख रहा है स्क्रीन। नहीं भाई एक सेकंड सर। सर अभी दिख रहा है फोन का स्क्रीन। ये आप $20 का अकाउंट लेकर आए हो, यह सर वही चैलेंज है सर। 622 डॉलर्स का? ओके इसमें तो आप 100K का अकाउंट ले सकते हो भाई। हाँ सर। जीजे में बाय किया क्या आपने? यस सर, यस सर, मुझे एक बार होस्ट बनाओ ना। यस सर। एक सेकंड सर।
ओके सर, आपको बना दिया। ये ट्रेड लिया नहीं मैंने सिर्फ। यू और जियो में मैं मतलब सैलरी देख रहा हूँ अभी तो, लेकिन बहुत नीचे आ गया है सर। मतलब कौन सा? यू और जियो में, और सर ये आपका जो फिबोनाची वाला चीज था ना, एकदम मतलब सॉलिड है सर। मतलब हाँ ऐसा सिखाया नहीं किसी ने, मतलब नॉर्मल जो यूट्यूब में वीडियोस होते हैं ना, वो तो मतलब बकवास है मतलब इसके बारे में। भाई, ये इयर्स ऑफ मतलब मैंने उसको ये किया है, प्रैक्टिस किया है इतना, और उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे लिए काम करता है उसी तरीके से मैंने वो स्ट्रैटेजी में बताया। चलो अच्छा है, फिर गोल्ड में मैं सेल करने वाला था, यहाँ पे काफ़ी क्लीन था, लेकिन तभी मैं चार्ज पे मैंने रहता था, किया था सर, फिर आज किया था मैंने, यहाँ इधर पे ही किया सेल था सर। किया। हाँ सर, कल भी हमने यहाँ वहां पे ट्रेड भी लिया था, आज भी यहाँ पे मैं सेल करता, अगर M15 मैं यहाँ सर पे एक चार्ट चीज, पे रहता इस टाइम पे तो मैंने यहाँ पे किया होता सेल, कीपिंग माई स्टॉप लॉस अबाउट दिस। M15 का सर कर सकते, एक सेकंड टाइम फ्रेम क्या मैंने यहाँ कहीं M15 फिफ्टीन का? का, हाँ ओके मैंने यही कहीं लिया था, ये 1528 था ना, एक सेकंड इधर मैंने अभी वहीं पे करो, लिया था। यहाँ पे सेल किया था। ओके नाइस। यस सर, तो सर डायरेक्ट ट्रेड लेने में थोड़ा वो फियर होता है, इसीलिए थोड़ा कंफर्मेशन, ईजी का कंफर्मेशन आता है यस ना, मतलब यस, वो सही रहता है सर। लेकिन क्या होता है देखो, यस सर, जैसे कि अभी आप ज़्यादा कन्फर्मेशन लेते हो, तो कभी कभी जैसे ट्रेड मिस होता कि है सर। इन दिस रीज़न, इन दिस हाँ पर्टिकुलर सिचुएशन, दिख रहा है ना चार्ट आपको, हाँ सर, यहाँ पर सेल ले सकता था मैं। ओके लेट से यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है इतना ट्रेड का, लेकिन लेट से मैं यहाँ पे ले सकता था, लेकिन मुझे कन्फर्मेशन कम थी, अभी यहाँ पे ज़्यादा कन्फर्मेशन है। ओके तो आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, लेकिन अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टारगेट मिलता आपको लॉजिकल। अभी आप अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो एक तो आपका ये मूव था, ये मूव चला गया आज से, और उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी अच्छा तरीका है कन्फर्मेशन ज़्यादा लेकर ट्रेड करने का। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर ज़्यादा कन्फर्मेशन आप ले रहे हो, उसके वजह से अगर ये पोटेंशियल आपका जहाँ पे जाने वाला था ट्रेड, मतलब अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हो आप, थोड़ा लेट लिया, तो यहाँ पे आपके डिजायर्ड अमाउंट के हिसाब से टारगेट सेट मत करो, टारगेट उतना ही रहेगा जो आपने पहले डिसाइड किया था जब आप यहाँ पे ट्रेड लेने वाले थे। ओके तो सिर्फ आपने लेट ट्रेड लिया है, मतलब मूवमेंट आपके हाथ से चला गया है, तो आप ज़्यादा टाइम होल्ड करोगे और ऐसा ट्राई करोगे कि ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपके जो रूल्स है सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर जिसके भी बेसिस पे आप टारगेट सेट करते हो उसके बेसिस पे टारगेट सेट करो। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ट्रेड में एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस पता है यहाँ पे रखना है, लेकिन टारगेट जो है वो बहुत इलॉजिकल रख देते हैं, मतलब उसको अगर चाहिए 1:2 तो वो अपने हाथ से यहाँ पे रख लेगा, लेकिन जहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा है वहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस कम हो सकते हैं, तो सही बात है। टारगेट के लिए भी आपको होना चाहिए कि कितना मैं यहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ। यह अभी अगर यहाँ से ब्रेक होता है यहाँ तक तो ये है अराउंड गोल्ड में 100 पिप्स, तो 100 पिप्स तो आप कैप्चर नहीं कर सकते, तो इतने ये जो यहाँ पे मूवमेंट हुआ है इसमें से आपको 20% या फिर 30% कैप्चर करने हैं, 20 to 30 पिप्स। ओके। ओके तो आप अगर यहाँ पे रख रहे हो एंड 100 पिप्स का यहाँ पे रेंज है, और आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 1200 पिप्स मिले नहीं हो सकता। या फिर 120 पिप्स मिले, तो वो कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पे जोन है तो इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा टारगेट। मतलब चीजों में लॉजिक होना चाहिए, और मतलब यस हाँ यस, सही। पूरा लॉजिक का ही ये, मतलब आपको हर किसी मूव के बारे में सोचना है मार्केट में। सही बात है। सर यस तो चलो भाई, गुड लक ओके सर, ओके सर। फॉर योर सर ट्रेडिंग। मतलब अगर आगे भी कोई इश्यू हो या फिर मतलब आपसे गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको वही मतलब कर सेम सकता लिंक हूँ से आप बुक। बुक कर सकते हो वन ऑन ओके वन सर, सेशन, ओके ओके सर, और ओके कोर्स के बारे में कुछ फीडबैक आपका कैसा सर। है मतलब कोर्स? बहुत बहुत ही बढ़िया है, मतलब सिंपल है, ठीक है,
सिंपल है और बहुत ही मतलब पावरफुल है सर। मतलब यही चीज है, मतलब मैं एसएमसी सीखकर भी ये चीज फॉलो कर रहा हूँ तो मतलब बहुत बड़ी बात है सर। लाइक एसएमसी मतलब स्ट्रक्चर वो सब बहुत टाइम लोअर टाइम फ्रेम में घुसोगे और सिंपल चीज को मतलब हम भूल जाते हैं बेसिक्स को। पर यही चीज से मैंने पहले भी पैसा कमाया था, लेकिन आप में जो फिबोनाची वाला चीज है, उसके बाद हाँ, क्या बोलते हैं ये जोन वॉल्यूम टू जोन है, वाला उसके बाद कंफर्मेशन है, तो मतलब बहुत ही सही है सर चीज। तो काफी ज्यादा ये नहीं है, ज्यादा कुछ पढ़ा इंडिकेटर एक भी नहीं बताया मैंने, सारे टूल्स बताए फिबोनाची सही है एंड सही है। बस जो मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ वही सिखाया बस, तो उसकी वजह हाँ से सही है सर। मतलब चीजों को जितना सिंपल रखोगे और कम रखोगे ना, उतना जल्दी एग्जीक्यूशन में पार्ट में मतलब प्रॉब्लम थ्रू होता है, आउट लेकिन वो इजी हो जाता है। थ्रू आउट माई यूट्यूब वीडियोज माई इंस्टाग्राम वीडियोज वही मैं बताता हूँ लोगों को कि भाई सिंपल रखो चीज़ें, सही खुद बात के है लिए सर, डिफिकल्ट करते हो सही है एंड सर, यस यस सही बात है सर। चलो भाई नाइस ठीक है भाई, ठीक है सर, सीइंग ठीक है यू सर, यस बाय बाय सर। बाय बाय।